जूडियो ब्रांड के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसका कमेंट सेक्शन भरा हुआ था कि अगला ब्रांड जो होना चाहिए वो होना चाहिए मैक्स ब्रांड। तो आपकी सुन के आपका यार तो श्री श्री जोड़ा गया मैक्स ब्रांड। लेकिन सबसे पहले कौन से सेक्शन में हम जाते हैं? एज यूजल शूज सेक्शन में। लेकिन मैं सच बताऊं, इससे पहले मैं मैक्स तो गया था लेकिन मैक्स के शूज सेक्शन में नहीं गया था। ये पहली बार मैक्स के शूज सेक्शन में जा रहा था। जब मैंने जाके देखा इतनी ज्यादा ऑप्शंस की, बहुत ज्यादा ऑप्शंस थी, चाहे आप लोफर्स की बात कर लो, चाहे आप स्नीकर्स की बात कर लो, चाहे आप स्पोर्ट्स शूज की बात कर लो, इवन की चाहे आप एथलीजर शूज की बात कर लो, सच में मैं शॉक हो गया था। लेकिन सबसे पहले अगर मैं लोफर्स की बात करूं, देन वहां पे जो लोफर्स स्टार्ट हो रहे थे वो 999 से स्टार्ट हो रहे थे, और देख के फील करके भी अच्छा लग रहा था, उनकी पता चल रहा था कि उनकी क्वालिटी अच्छी है। अगर हम उनका सोल वगैरह चेक करें या फिर उनका हमारा मटेरियल वगैरह चेक करें, स्नीकर्स 999 से शुरू होते थे, जैसे कि ये वाले स्नीकर्स, ये स्नीकर्स भी मुझे अच्छे लग रहे थे। और जो ये स्नीकर जो मिलिट्री ग्रीन कलर में, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। इनका वो नीचे से सोल देखो, सोल कितना ही क्लासिक आज के ट्रेंड के हिसाब से है कि आप इसे जींस वगैरह के साथ पहनोगे बहुत अच्छे लगेंगे। और इनका प्राइस था 1299, और फील करके इसकी क्वालिटी वगैरह चेक करके मुझे कहीं ना कहीं वर्थ लग रहा था। इसका डिजाइन देख के और इसकी क्वालिटी वगैरह चेक करके 1299 मुझे कहीं ना कहीं वर्थ लग रहा था। ऐसे में ही अगर मैं इन ब्राउन स्नीकर्स की बात करूं, ये भी 1299 में ही थे, इनकी भी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी। 999 टू 1299 में स्नीकर्स पड़े हुए थे। वही अगर हम स्पोर्ट्स शूज की कैटेगरी में चले जाए तो वो सिंपल 699 से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन वो बहुत ही बेसिक थे, लाइक बहुत ही ज्यादा बेसिक। अगर आप उन्हें पहनने पता चलेगा कि हाँ 699 के या 400-500 के वो पहनने हुए हैं। लेकिन अगर आप मैक्स में थोड़ा सा अपना बजट अपडेट करते हो और आप जाते हो 1499 तक, देन आपको मैक्स में भी अच्छे स्पोर्ट शूज मिल सकते हैं। अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी में, टी शर्ट्स के ऊपर। मैक्स में जो टी शर्ट स्टार्ट हो रही थी वो 299 से स्टार्ट हो जाती थी, और जब मैंने उनके ऊपर रिंकल टेस्ट किया तो वो रिंकल टेस्ट में भी उनकी क्वालिटी थी बहुत अच्छी लग रही थी 299 के हिसाब से। आपको कौन सा कलर चाहिए ये बताओ। अगर हम उनके ऊपर प्रिंट की बात करें तो उसके प्रिंट की क्वालिटी भी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने उसे अच्छी तरह खींच खूंच के देखा, मरोड़ के देखा, मुझे सही लगा, उसके प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी थी। लेकिन अगर जैसे ही मैक्स में आप अपनी टी शर्ट्स के लिए जो हाफ जो कि हमारी टी शर्ट होती है, मैं बजट थोड़ा अपग्रेड करते हो, यानी कि 399 पे जाते हो, 599 पे जाते हो, 699 पे जाते हो, तो आपकी जो चॉइसेस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनके ऊपर आज के ट्रेंड के हिसाब से, जो आजकल चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से आपको टी शर्ट मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे कि यहां पर इस टी शर्ट को देखे, बहुत अच्छे पैटर्न बने हुए हैं, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, या फिर इस टी शर्ट को देखे कितना अच्छा डिजाइन है, ये 599 की कैटेगरी में आ जाती है। तो थोड़ा सा बजट अपग्रेड करोगे आपको मैक्स में अच्छी टी शर्ट पूरे लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से मिल जाएगी। मुझे मैक्स की टी शर्ट कलेक्शन सच में बहुत ज्यादा पसंद आई है। बस यह है कि आपको वहां पे जाकर थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उनका क्या है कि टी शर्ट्स ना इधर उधर रखी हुई है, एक प्रॉपर डेडिकेटेड सेक्शन नहीं है, आपको ढूंढनी पड़ती है। कुछ टी शर्ट्स कहीं और पड़ी हैं, कुछ टी शर्ट्स कहीं और पड़ी हैं, आपको चक्कर काटना पड़ेगा। ये मुझे ड्रॉबैक लगा कि टी शर्ट्स एक ही जगह होनी चाहिए ताकि कस्टमर डिसाइड कर सके। अब बात कर लेते हैं पोलो टी शर्ट की। जूडियो वाली वीडियो में हमने पोलोस को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर लिया था, क्योंकि पहली नज़र में ही मुझे उनकी क्वालिटी पसंद नहीं आई थी, मैंने उन्हें कवर ही नहीं किया था। लेकिन मैक्स में सच बता रहा हूँ, मैक्स पोलो से भरा हुआ है। 399 से पोलो स्टार्ट हो जाती हैं, और 399 के प्राइस के हिसाब से उनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। आपको कौन सा कलर चाहिए वो डिसाइड करो, हर कलर वहां पे अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही पोलोज में आप अपने बजट को 399 से 799 पे लेके जाते हो, जो आपकी पोलोज में चॉइस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की 399 से अच्छी क्वालिटी होगी जिनकी, वो भी मिलेगी। प्लस आपको कुछ क्लासिक पोलोज भी मिलेगी, जैसे कि ये पोलो जो कि रेड और नेवी ब्लू के मिक्सचर में, ये पोलो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, ये 799 रुपीज की थी। या फिर अगर हम इस वर्टिकल स्ट्राइप की पोलो की देखें, ये भी अगेन रेड और नेवी ब्लू में आ जाती है, इसमें भी अलग अलग कलर अवेलेबल थे, अलग अलग डिजाइन अवेलेबल थे। तो थोड़ा सा बजट बढ़ाओगे, पोलोज में बहुत ज्यादा चॉइस है मैक्स के पास। वही अगर हम फुल स्लीव टी शर्ट्स की बात करें, मैं यहां पे फुल स्लीव टी शर्ट्स को मैक्स को बोलूंगा कि भाई प्लीज अपने फुल स्लीव टी शर्ट्स की ना कलेक्शन को अच्छी करो। ये फुल स्लीव टी शर्ट्स की कलेक्शन थी उनके पास, कोई भी नहीं मुझे पसंद आ रही थी, सच बता रहा हूँ, बहुत ही बकवास डिज़ाइन थे फुल स्लीव टी शर्ट्स में। इवन कि मैं देख के उनका प्राइस भी नहीं देखा, लेकिन फिर वो 799 से स्टार्ट हो रही थी, इतना तो मैंने आपको बताने के लिए देख ही लिया था। अब बात करते हैं जीन्स की। जीन्स मैक्स में 799 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन मुझे 799 वाली जो उसकी फिटिंग है, उसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी जो बजट है बढ़ाते हो 1299 पे, वहाँ पे जीन्स की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। आपको याद होगा कि जूडियो
वाली वीडियो में जीन्स की क्वालिटी इतनी अच्छी निकल के नहीं आई थी, लेकिन मैक्स से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस था। हुआ क्या कि मैंने इसको टेस्ट किया कि जो हमारे जीन्स के पैरामीटर है जिनके ऊपर हम उन्हें टेस्ट करते हैं, ये हर पैरामीटर के ऊपर खरी उतर रही थी, कोई भी थ्रेड वगैरह नहीं निकला हुआ, बटन की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन वहाँ पर अगर आपको आज के ट्रेंड के हिसाब से जैसे कोई रग्ड जीन्स चाहिए या फिर टॉन जीन्स चाहिए या फिर ऐसी जीन्स चाहिए जो ऑलरेडी एंकल से नैरो हो, डिज़ाइन हो, देन उनकी जो रेंज थी वो 1499 पे जाती थी, जो कि वैसे देखा जाए अगर जारा से कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ही सही प्राइस है, क्योंकि जारा में आपको ऐसी जीन कम से कम भी 4,000-5,000 के आसपास मिलेगी और यहाँ पे सिर्फ 1500 के आसपास मिल रही है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी। वेरी इंप्रेस्ड विद मैक्स जीन्स कलेक्शन। लेकिन वही अगर हम फॉर्मल की बात करें, मैं सच बता रहा हूँ, वैसे तो मैं फॉर्मल कपड़े आज मैंने फॉर्मल नहीं पहने हुए तो बहुत आपने मेरे को कम देखा होगा, वैसे तो मैं इतने ज़्यादा फॉर्मल कपड़े पहनता नहीं, लेकिन बाय चांस फिर भी मुझे ना फॉर्मल कपड़े लेने होना, मुझे अब पता है कि मुझे मैक्स ही जाना है। क्यों? क्योंकि मैं एक तो है कि ज़्यादा पहनता नहीं हूं, तो मैं इतने ज़्यादा महंगे लूंगा नहीं, अगर फिर भी मुझे अच्छी क्वालिटी के लेने होंगे, बजट में लेने होंगे, तो मैक्स इज़ बेस्ट चॉइस। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो फॉर्मल शर्ट स्टार्ट हो रही थी वो 799 से स्टार्ट हो रही थी, हर कलर आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने बजट को 999 करते हो, 1299 करते हो, देन आपके पास फॉर्मल शर्ट्स में बहुत ज़्यादा चॉइस खुल जाती है। मैक्स भरा हुआ है फॉर्मल शर्ट्स की चॉइस के साथ। अगर आपको फॉर्मल शर्ट लेनी है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बस मैक्स चले जाओ, आपको कम बजट में मिल जाएगी। चाहे आप फॉर्मल को ज़्यादा पहनते हो तो भी, अगर आप फॉर्मल्स को कम पहनते हो, आप चाहते हो कि यार फॉर्मल होने चाहिए लेकिन पहनूंगा कम बजट में होने चाहिए, मैक्स इज़ बेस्ट चॉइस। लेकिन मैक्स में जाने का एक और बेनिफिट क्या था कि वहां पे पीटर इंग्लैंड के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन की हुई है, वहीं पे पीटर इंग्लैंड की शर्ट्स भी पड़ी हुई थी जो कि 1499 की रेंज में थी। तो अगर आपको बजट उतना जाता है, देन आप पीटर इंग्लैंड को भी एक ऑप्शन मान सकते हो, वो वहीं पे पड़े हुए थे, मैंने देखा कि उनकी क्वालिटी अच्छी लग रही थी मैक्स के मुकाबले। वहीं अगर हम चीनोस की बात करें, मैं ये मानता हूं कि चीनोस कलेक्शन में होने चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आसपास देखा है कि हम इंडिया में चीनोस बहुत ज्यादा कम पहनते हैं, यानी कि इतने ज्यादा लड़के कंफर्टेबल नहीं होते चीनोस पहनने के साथ। तो मैक्स में जो चीनो स्टार्ट हो रही थी वो 999 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन मुझे उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगी एज कंपेयर टू 1499। जो 1499 वाली चीनो थी इनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी और इनके पास कलर हर अवेलेबल था, आपको कौन सा कलर चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। भरा हुआ है मैक्स फॉर्मल्स के साथ सीरियसली। अब बात करें अगर डेनिम जैकेट की, क्योंकि स्टूडियो वीडियो में आपने देखा होगा मैं डेनिम जैकेट लेके आया था, तो मैंने स्पेशल ध्यान दिया कि यहाँ पे कितने की है। यहाँ पे जो ये डेनिम जैकेट थी ये 1999 की थी। हालांकि अगर आप इसको दूर से देखो तो ये जारा वाली फील दे रही है, कहीं ना कहीं जारा में बड़े आराम से आपको ये जैकेट आपको बड़े आराम से 5999-4999 की मिलेगी अगर आप फ्रेश में लेते हो तो, लेकिन यहाँ पे 1999 पे पड़ी हुई थी। हालांकि इसके ऊपर कोई सेल नहीं थी। अब मैं क्या लेके आया हूँ, इतना पूरा शोरूम घूम के वो लेके आया हूँ, ये एक टी-शर्ट। ये टी-शर्ट मुझे सच में बहुत ज़्यादा एक मिनिमलिस्टिक लगी। क्यों मिनिमलिस्टिक लगी? एक तो उसके ऊपर बहुत ही सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है, लिमिटेड एडिशन, जो कि मैं हूँ ही। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो कि कैसे 1999 के नीचे नीचे रह के अलग अलग कलेक्शंस बनानी है मैक्स ब्रांड के अंदर ही, अगर आपको वो वीडियो देखनी है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपको वो वीडियो भी बना देंगे आपके लिए। मैं आपका यार दोस्त ऋषि अरोड़ा साइनिंग ऑफ, मिलते हैं अगली वीडियो में।